अच्छा जी, लास्ट टाइम A2 का काइनेटिक स्टार्ट किया हुआ था। और ये रहा काइनेटिक, हमने मैकेनिज्म निकालना सीखा था, हमने मैकेनिज्म निकालना सीखा था। अच्छा, अब कोर्स में एक कैटलिस्ट का भी क्वेश्चन आता है, कहाँ है वो कैटलिस्ट का क्वेश्चन? कैटलिस्ट ये आ गया कैटलिस्ट का, होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस कैटलाइसिस। ठीक है, इसमें आयरन का आ रहा है, पैलेडियम रोडिडियम इन कैटलाइटिक रिमूवल ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेस ऑफ कार इंजन। इसके बाद आपको लास्ट में रिएक्शन भी आ रहा है, तो कैटलिस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंजाइम हटा दिया है और कैटलिस्ट कोर्स का हिस्सा है। इंजाइम हटा दिया गया है और कैटलिस्ट कोर्स का हिस्सा है, तो अच्छा मैंने हेडिंग में डाल दी थी, ये शू कर दिया था कैटलिस्ट, होमोजीनस हेटेरोजीनस। चलिए अरिबा बताइए, व्हाट इज कैटलिस्ट? बोले कैटलिस्ट क्या होता है? Their catalyst speeds up any reaction without itself being chemically changed. बिल्कुल सही है, कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। पता है कितने तरह के कैटलिस्ट होते हैं? सर, दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? ठीक एक होमोजेनस, एक हेटरोजेनस। है, होमोजीनस और हेटेरोजीनस कैटलिस्ट, बिल्कुल सही है, होमोजीनस और हेटेरोजीनस कैटलिस्ट होते हैं, बिल्कुल सही है। तो हम ने स्टार्ट किया हुआ था। अच्छा, होमो हेटेरोजीनस, होमोजीनस बताइए, होमोजीनस कैटालिसिस क्या होता है? जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट एक ही फेस में हो। ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों एक ही फेस में हो। आज हम स्टार्ट करेंगे होमोजीनस कैटलाइसिस। तो मैंने पहला पॉइंट दिखाया था आपको, यहां से स्टार्ट करेंगे होमोजीनस कैटलाइसिस से। दो रिएक्शंस आर होमोजीनस इन विच रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट बोथ आर इन द सेम फेस। यानी अगर कैटलिस्ट सॉलिड है और रिएक्टेंट भी सॉलिड होंगे, अगर रिएक्टेंट गैस है तो कैटलिस्ट भी गैस होगा, अगर रिएक्टेंट लिक्विड है तो कैटलिस्ट भी लिक्विड होगा, अगर रिएक्टेंट एक्वस है तो कैटलिस्ट भी एक्वस ही होगा। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। जितना ज्यादा कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा रेट बढ़ता जाएगा। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं कहा, यील्ड नहीं कहा, प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर थ्री हमने लास्ट टाइम किया था, कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्टेंट के साथ इंटरमीडिएट बनाता है, कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ इंटरमीडिएट बनाता है, फिर इंटरमीडिएट टूट के प्रोडक्ट बना लेता है। ये लास्ट टाइम हमने किया था। आज हमारा टारगेट है कैटालिटिक रोल ऑफ आयरन टू आयरन थ्री इन आई माइनस एंड थायोसल्फेट रिएक्शन। आपको ये इक्वेशन मैंने लिखाई थी और ये कहा था दिस इज रिएक्शन वन। ये रिएक्शन वन है, दिस इज रिएक्शन वन।
अब आप मुझे बताएं, इस रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ज्यादा है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन वन इज टू हाई, एक्सप्लेन व्हाई। आप बता सकते हैं क्यों हाई है रिएक्शन वन की? आप में से कोई बता सकता है कि रिएक्शन वन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्यों आई है? यार कुछ भी बोल दें, गलत सलत बोल दें। सर दोनों के चार्जेस नेगेटिव हैं तो इसके डिपेंड करेंगे। शाबाश शाबाश, दोनों के चार्जेस निगेटिव हैं और निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। शाबाश, पास पेपर का क्वेश्चन है। आई माइनस एन एस टू ओ एट, टू माइनस बोथ हैव निगेटिव चार्ज, बोथ हैव निगेटिव चार्ज। पॉइंट नंबर टू, नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल ईच अदर। ये देखें, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, लिहाजा इनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा हो जाएगी। Therefore, reaction requires more energy of activation, more energy of activation। तो डेफिनेटली आपको कैटलिस्ट चाहिए होगा। तो हियर एफ ई प्लस टू इज यूज एज कैटलिस्ट। पास पेपर में इसका ग्राफ भी दिया हुआ है, इस रिएक्शन का ग्राफ भी दिया हुआ है। हम बाद में जिक्र करते हैं या अभी बना लेते हैं? चले ये लें। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इसमें टाइम रखेंगे, इसमें एनर्जी रखेंगे, किलो जूल पर मोल। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो यहां पे रिएक्टेंट आएगा आई माइनस प्लस एस टू ओ ए टू माइनस, और यहां पे आएगा प्रोडक्ट आई टू प्लस एस ओ फोर टू माइनस। ये आ गया रिएक्टेंट, ये आ गया प्रोडक्ट। ग्राफ इसका बनेगा ऐसे, आप देख सकते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितनी हाई है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है,
ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है विदाउट कैटलिस्ट। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा एनर्जी है, ये विदाउट कैटलिस्ट है। अब होगा क्या, देखिए रिएक्शन टू, अब होगा क्या, आपने कैटलिस्ट यूज किया है, पहले आयरन थ्री यूज होगा, आयरन थ्री एक्ट करेगा, दोनों के चार्जेस अपोजिट हैं, तो ये रिएक्ट करने के बाद आई टू और टू एफ ई प्लस टू बना लेगा। दिस इज रिएक्शन टू। दिस इज रिएक्शन टू। इसे रिएक्शन टू कहते हैं। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, यही वाला आयरन टू प्लस दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा, दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा। दूसरा रिएक्टेंट क्या है हमारा, एस टू ओ ए टू माइनस, और बनाएगा सल्फेट और एफ ई थ्री प्लस, इसे कहेंगे रिएक्शन थ्री। यह है रिएक्शन थ्री। अब अगर आप गौर से देखें तो भाई आयरन प्लस थ्री रिड्यूस हो रहा है, और गौर से देखें तो आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है, और आई माइनस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है माइनस वन से जीरो। इसी तरह रिएक्शन थ्री में देखिए क्या हो रहा है, रिएक्शन थ्री देखेंगे तो ये आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है और यहां सल्फर रिड्यूस हो रहा है। बताइए वो कौन सी स्पीशी है जो दोबारा बन गई रिएक्शन थ्री में, बताइए वो कौन सी स्पीशी है जो रिएक्शन टू में कंज्यूम हुई है और रिएक्शन थ्री में दोबारा बन गई है, बोले Fe3+। तो लिहाजा Fe3+ एक्ट एज अ कैटलिस्ट, नॉट Fe2+। Fe3+ इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। तो आप लिखेंगे Fe3+ कंज्यूम इन रिएक्शन टू, एंड रिप्रोड्यूस एंड रिप्रोड्यूस इन रिएक्शन थ्री, सो एक्ट एज कैटलिस्ट। एक्ट एज कैटलिस्ट। अब आप गौर से देखें इधर इस रिएक्शन में, गौर से देखें आई माइनस भी एक्वस है, आयरन प्लस थ्री भी एक्वस है, ये दोनों एक्वस है,
यहाँ Fe प्लस टू भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, तो बताइए यहाँ Fe प्लस टू भी एक्वस है, Fe थ्री प्लस भी एक्वस है, I माइनस भी एक्वस है, H2O8 माइनस टू भी एक्वस है, ऑल आर एक्वस, तो बताइए ना ये होमोजीनस होगा हेटेरोजीनस? होमोजेनस होमोजीनस इसी के लिए किसे कहते हैं होमोजीनस कैटलाइजेस। इन सेम फेस सो इट इज होमोजीनस कैटलाइजेस। होमोजीनस कैटालाइजिस। आइए इसके ग्राफ को भी कंप्लीट करते हैं। तो ग्राफ देखा, अगर आप गौर से देखें तो ग्राफ में दो स्टेप में मैंने तोड़ दिया है उसको। एक कहला रहा है रिएक्शन वन और एक कहला रहा है रिएक्शन टू। ये है रिएक्शन वन, ये है रिएक्शन वन, और ये है रिएक्शन टू। अगर आप गौर से देखें ये रिएक्शन वन है, ये रिएक्शन टू है, ये रिएक्शन थ्री है और ये रिएक्शन वन है। ये ब्लू वाला शो कर रहा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विद कैटलिस्ट। आप देख सकते हैं मैंने आपको तीन रिएक्शन कराए, तीनों ग्राफ में शो कर दिए हैं। ऊपर वाला ये देखें रिएक्शन वन है और ये दो रिएक्शन है, ये दो रिएक्शन है, बोले आपको बात समझ आई है नहीं आई है? बोले होमोजीनस कैटलाइजेस समझ आ गई है? जी सर। चलिए अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूं हमने क्या किया। हमने ये वाला रिएक्शन कर लिया लास्ट वाला, डिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्शन ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। अब हम करेंगे एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इन द एट, ये वाला काम करेंगे। आप होमोजीनस एग्जाम्पल की दूसरी एग्जाम्पल है, होमोजीनस कैटालिसिस की दूसरी एग्जाम्पल है। ये सेकेंड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर टू, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑक्सीडेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड। आइए मैं आपको एएस में लेके चलता हूं। एएस में हमने क्या किया था? ये आपके पास कार इंजन है,
इस कार इंजन में दो चीजें जाती हैं, एक जाती है एयर एयर में होती है दो गैसें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरी चीज आती है फ्यूल, फ्यूल में होता है कार्बन और सल्फर। अब होगा क्या, सबसे पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा NO2, NO सॉरी NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो भाई कार इंजन से पहली गैस निकली है NO, दूसरा रिएक्शन होगा कार इंजन के अंदर कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो भाई दूसरी चीज कार्बन मोनोऑक्साइड निकली, तीसरी चीज होगी सल्फर, सल्फर ऐड करेगा और बनाएगा SO2। तीन गैसेस कार इंजन से निकल गई। बोले यहां तक बात समझ आती है? जी शाबाश। अब देखो ये एयर है, कार इंजन से बाहर निकलते हैं तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आती है, इस पर भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लगेगी। इस पर भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लगेगी। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो जी सर। अब क्या होगा, इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, अब क्या होगा NO प्लस फर्दर ऑक्सीडेशन NO2 बनेगा। या आ गई फर्दर ऑक्सीडेशन से NO2, या आपकी फर्दर ऑक्सीडेशन से आ गई NO2। आपने यहाँ इक्वेशन लिख ली फर्दर ऑक्सीडेशन, NO2 बन गया। इधर कार्बन मोनोऑक्साइड से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती है तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ये सब हवा में हो रहा है, एटमॉस्फेयर में। अब होगा क्या बताइए आप, अब एयर में कौन कौन सी गैसेस हैं? NO2, बताइए। CO2 and शाबाश शाबाश। अब होता क्या है, NO2 रिएक्ट करता है इस पे, NO2 रिएक्ट करता है SO2 पे और बनाता है SO3 और NO। फिर NO की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है, और बनाता है NO2। बताइए वो कौन सी स्पीशी है जो कंज्यूम भी हुई है
और प्रोड्यूस भी हुई है, बोले बोले वो कौन सी गैस है जो कंज्यूम भी हुई है और रिप्रोड्यूस भी हो गई, कौन सी है? NO2 NO2। तो NO2 इज कैटलिस्ट, तो आप लिखेंगे पहला पॉइंट NO2 कंज्यूम एंड रिप्रोड्यूस, सो एक्ट एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट NO2 कंज्यूम एंड रिप्रोड्यूस सो एक्ट एज कैटलिस्ट। अब मेरा आपसे सवाल है, बताइए NO2 सॉलिड है कि गैस? गैस गैस। तो देखें ये सारी गैसेस हैं, तो बताइए ये होमोजीनस होगा हेटेरोजीनस होगा? होमोजीनियस होमोजीनस। तो भाई एनओ NO2 SO2 ऑल आर गैसेस, ऑल आर गैसेस, सो होमोजीनियस कैटलाइजेस। कैटलाइजेस। चलिए अब आप में से शाबाश कोई आए, अरीबा आप आइए मुझे एक्सप्लेन करिए पूरा ही। अरीबा वन बाय वन अरीबा आइए और एक्सप्लेन करिए। सर, आपने बताया कि कार इंजन में N2 और O2। हाँ मैंने कहा कार इंजन में एयर घुसती है और एयर में जी ज्यादातर N2 और O2 होता है ना, जी और फ्यूल ज्यादातर फ्यूल फ्यूल में कार्बन भी होता है सल्फर भी होता है, ठीक है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उससे। प्रोड्यूस होते हैं क्यों? क्योंकि ये तमाम के तमाम रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। और फिर ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। सही है, बिल्कुल सही है। इसकी हवा में फर्दर ऑक्सीडेशन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर क्या होता है? सर, फिर आपने क्या कहते हैं बताया था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई तो इसको हम एज अ कैटलिस्ट लेते हैं, बाकी सारी होमोजेनस कैटलिस्ट होते हैं। सही है। यस दैट्स इट। इसलिए इसे होमोजीनियस कैटालिसिस भी कहते, ठीक है? यस सही हो गया। अच्छा पास्ट पेपर में इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं, सही है? पास्ट पेपर में इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, वॉट इज द इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस
रिएक्शन। बताइए। हाँ बताएं, इस रिएक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? हाँ सर, ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगी इस रिएक्शन में, ये रिएक्ट कर जाएगी विद वाटर एंड एसिड, तो एज अ रिजल्ट वेरी सल्फ्यूरिक गुड एसिड जो कि वेरी एसिड गुड रेन के फॉर्म में फिर आ जाएगा। वेरी वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। देखो ये क्लाउड है, इसमें होता है पानी, ये सल्फर डाइऑक्साइड बादल में जाएगी, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी। और ये फिर इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन आ जाएगी। ये देखें, ये एसिड रेन आ गई। ये एसिड रेन है। अब ये लेक्स है, इसमें होगा एल्यूमिनियम। अब ये एल्यूमिनियम क्या होगा, एसिड की वजह से एल्यूमिनियम +3 में हो जाएगा। एल्युमिनियम +3 में हो जाएगा। अब एल्युमिनियम +3 क्या करता है, वो मैरीन लाइफ को किल कर देता है। एल्युमिनियम गिल्स में फंस जाता है और टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक, इससे मर जाते हैं भाई। तो क्या लिखेंगे हम, सल्फर ट्राइऑक्साइड इस प्रोड्यूस विच कॉजेस एसिड रेन, एसिड रेन लोअर्स द पीएच ऑफ लेक एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइजेस एट लो पीएच एंड फॉर्म टॉक्सिक एल्यूमिनियम 3+। बोले आपको ये बात समझ आ गई है? बोले यहां तक बात समझ आ गई है? जी सर। चले अगले पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ SO2। बताइए SO2 कहाँ कहाँ से मिलता है। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से निकलता है? नंबर 1 वुल्केनिक इरप्शन, वुल्केनिक इरप्शन क्या होता है, जब भी वुल्केनोस इरप्ट होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। नंबर 2
कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल को जब भी जलाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। एक और सवाल आया हुआ है इसी से रिलेटेड, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ NO2? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ NO2? सिर्फ दो जगहों पे NO2 बनता है भाई, सिर्फ दो जगहों पे, बता सकते हैं कहाँ? एक लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से और एक फायरिंग से। एक लाइटनिंग में, शाबाश, और एक इंटरनल कंबशन ऑफ N2, इंटरनल कंबशन ऑफ N2 इन कार इंजन। आसमानों पे होता ही है, लाइटनिंग नंबर टू, इंटरनल कंबशन ऑफ N2 इन कार इंजन। क्योंकि नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना होता है, अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसलिए लाइटनिंग में होता है, इसीलिए यहाँ पे कार इंजन में होता है। बोले ये आपको समझ में आ गया कार इंजन वाला? सही, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैंने आपको कहा था दो तरह की कैटालिसिस होती है, एक होमोजिनस, होमोजिनस में एक रिएक्शन कराया ये वाला जिसमें दोनों एक्वस हैं, एक कराया कार इंजन वाला जिसमें तमाम गैसेस हैं। अगर आपको समझ आ गया तो क्या हेटेरोजिनस स्टार्ट करें? ठीक हो गया, हेटेरोजिनस कैटालाइसिस, एटीरोजीनस कैटालाइसिस। ये सेकेंड एग्जाम्पल है, ये सेकेंड एग्जाम्पल है। बताइए हेटीरोजीनस कैटालाइसिस में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट क्या सेम फेज में होंगे कि डिफरेंट? डिफरेंट फेस में होंगे। तो पहला पॉइंट है रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, बोथ आर इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट, इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट। रिएक्टेंट कैटलिस्ट बोथ आर इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट। भाई इसका मतलब ये हुआ कि कैटलिस्ट सॉलिड हुआ और रिएक्टेंट गैस हो सकते हैं। कैटलिस्ट सॉलिड होगा और रिएक्टेंट गैस हो सकते हैं। अच्छा राबिया मेरी बात सुने, कि अगर हम बाजार से बिरयानी लेकर आते हैं तो हम प्लेट में निकाल के खाते हैं, तो क्या हम प्लेट भी खा जाते हैं? नहीं सर। तो प्लेट एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होती है, ऐसे ही है? ना प्लेट एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होती है। तो
प्लेट सरफेस देती है हमें सरफेस, ताकि हम उसमें रख के खा सके, ऐसे ही है। इसी तरह से नंबर टू है कैटलिस्ट प्रोवाइड इट्स सरफेस ऑन व्हिच रिएक्शन अकर्स। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी चले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक जी चलिए आगे बढ़ते हैं। कैटलिस्ट प्रोवाइड करता है अपनी सरफेस ताकि रिएक्शन हो जाए। आइए आपको मैं एक कैटलिस्ट सिखाता हूं। लेट सपोज ये कैटलिस्ट है, लेट सपोज ये कैटलिस्ट है। सबसे पहले क्या होता है, लेट सपोज ये रिएक्टेंट गैसेस हैं, ये रिएक्टेंट गैसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो आप देखेंगे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड सरफेस के साथ चिपक जाएगा, इसे कहते हैं एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन तो पहला प्रोसेस होता है एडसॉर्प्शन ऑफ कैटलिस्ट ऑन सॉलिड सरफेस। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? सही स्टिकिंग क्यों हो रही है? मैंने कहा कि जैसे पानी सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है ना, मिस अस्सलाम वालेकुम, मिस ये आज मरियम क्लास में एब्सेंट हो गई है ऑनलाइन क्लास में। मैंने आपसे ये कहा राबिया कि जो गैस है ना, गैस वो सॉलिड सरफेस पे जाके चिपक गई, इसे कहते हैं एड्सॉर्प्शन। मतलब सर ये किस वजह से? देखिए मैंने कहा ना, जैसे हम बिरयानी प्लेट में रख के खाते हैं, इसी तरह से नाइट्रोजन गैस हैबर प्रोसेस में जाके चिपक जाती है सरफेस के साथ। फिर हाइड्रोजन आती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आती है, हाइड्रोजन ये देखें, ये आ गया हाइड्रोजन। फिर ये भी सरफेस के साथ चिपक जाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं एड्सॉर्प्शन। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है?
ये पॉइंट दोबारा रिपीट कर सकते हैं? देखिए मैंने कहा कि जो आपको मैंने कहा ये हेटीरोजिनस है, तो हेटीरोजिनस में क्या होगा, एक गैस होगा और एक जो है एक गैस होगा और एक सॉलिड होगा। तो गैस सरफेस के साथ चिपक जाएगी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। तो थर्ड पॉइंट है रिएक्टेंट पार्टिकल्स एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस व्हेन कोलाइड विथ ईच अदर। ऑन, वो तो लिख ही दिया, ऑन ईच अदर। बोले आपको मेरी बात समझ आई? यस सर। फिर होगा क्या, इसी सरफेस से या आगे सरफेस, इसी सरफेस से ये बॉन्ड वीक होंगे और इधर से प्रोडक्ट निकल के रिलीज हो जाएगी। प्रोडक्ट रिलीज हो गया, इस प्रोसेस को कहते हैं डिसॉर्प्शन, इसको कहते हैं डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन एक कहलाता है एड्सॉर्प्शन, एक कहलाता है डिसॉर्प्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स डिसॉर्ब फ्रॉम द सरफेस। फ्रॉम द सरफेस तो भाई नेक्स्ट पॉइंट होगा रेट ऑफ रिएक्शन। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, टू द सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट। आइए हम प्रॉपर तरीके से हैबर प्रोसेस कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से हैबर प्रोसेस कर लेते हैं। हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस बताइए, हैबर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है? आयरन। शाबाश शाबाश, आयरन होता है इस्तेमाल, आयरन। बिल्कुल सही कहा आपने, आयरन होता है आयरन। सर आप स्लाइड थोड़ी ऊपर कर सकते हैं, मुझे एक पॉइंट मिस हो गया मुझसे। ये ने देखे, ये थैंक यू। ठीक है। तो
तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस की इक्वेशन लिखते हैं और कैटलिस्ट लिखते हैं। हेबर प्रोसेस में नाइट्रोजन गैस होती है, प्लस 3 हाइड्रोजन गैस, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, आयरन सॉलिड यूज होता है, 2 अमोनिया बनते हैं, 2 अमोनिया बनते हैं। आइए मैं आपको ये पूरा प्रोसेस दिखाता हूं। पोस्ट रिएक्शन मैकेनिज्म एंड एनर्जी प्रोफाइल फॉर अमोनिया। क्या हो गया? ये रिसर्च गेट पे है। ये देखिए, अगर आप देखें गौर से तो नाइट्रोजन गैस सरफेस पे जा, ये आयरन कैटलिस्ट है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आयरन कैटलिस्ट सरफेस है। ये देखें, ये सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हो रही है। गौर से देखें, ये एड्सॉर्प्शन हो रही है। गौर से देखें, ये एड्सॉर्प्शन हो रही है। अगर आप देखें डिसॉर्प्शन का हो रही है, ये देखें सरफेस से निकल गया डिसॉर्प्शन। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये देखें, ये एड्सॉर्ब हो रहा है, एड्सॉर्ब। इसका रीजन बता दें, इसके रीजन क्लियर हो रहा है। दोबारा बोलिएगा, समझ नहीं आ रहा। एडसॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन का रीजन बता दें। देखें, बॉन्ड तो कोई भी कभी भी कहीं भी बना सकता है, तो ये सरफेस के साथ लिंक बना लेता है। सही है, जुड़ जाते हैं ना, और फिर हल्के हल्के ये बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाता है। ये देखें, वीक बॉन्ड हो जाता है। सही सही है, चलें इसको लास्ट वर्ड्स में लिख लेते हैं। नंबर 1, डिफ्यूजन इज द फर्स्ट प्रोसेस।
फर्स्ट प्रोसेस गोइंग टू टेक प्लेस। पॉइंट नंबर टू, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन डिफ्यूज टुवर्ड्स कैटलिस्ट आयरन। इसको एड्सॉर्प्शन कह लेते हैं, इसको डिफ्यूजन कह लेते हैं। गैसेस पहले डिफ्यूज होती हैं। नेक्स्ट, एड्सॉर्प्शन इज द सेकेंड प्रोसेस गोइंग टू टेक प्लेस। सेकेंड प्रोसेस आपका एड्सॉर्प्शन हो गया, उसके बाद क्या होगा? रिएक्टेंट्स एन टू एन एच टू फॉर्म वीक बॉन्ड। विद द सरफेस देन डिसॉर्प्शन टेक प्लेस। डिसॉर्प्शन टेक प्लेस विल टेक प्लेस, अमोनिया रिलीज हो जाएगी। रिलीज ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। मेरा आपसे सवाल है, बताइए गैसेस क्या है, रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? गैस रिएक्टेंट क्या है बोले? सो गैसेस रिएक्टेंट आर गैसेस। बताइए कैटलिस्ट क्या है? सॉलिड सॉलिड है, सॉलिड है। तो बताइए ये होमोजीनस है कैटीरोजीनस है? होमोजीनस ठीक। शाबाश, हेटरोजीनस। कैटालाइजिस। बोले आपको बात समझ आ गई है? बोले ये हेटेरोजिनस वाली बात समझ आ गई है सब? जी सर। शाबाश। अब इसका लास्ट देखिए, हमने ये भी कर लिया, हमने सल्फर डाइऑक्साइड भी कर लिया, हमने आयरन इन द हैबर प्रोसेस भी कर लिया। अब ये लास्ट वाला करेंगे,
इंशाल्लाह देखिएगा अगली क्लास से हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। या आपने इधर इसको पेस्ट किया है। ये क्या आ गया आपके पास, पैलेडियम प्लाटिनम रुबिडियम इन द कैटलाइटर रिमूवल ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैस कार इंजन, कैटलाइटिक कन्वर्टर है शायद ये। तो कैटलाइटिक कन्वर्टर, कैटलाइटिक लाइटिक कन्वर्टर, कैटलाइटिक कन्वर्टर। चलिए हम कैटलाइटिक कन्वर्टर की शक्ल निकालते हैं और फिर हम बात करते हैं। कैटलाइटिक कन्वर्टर मेटल सरफेस। या आ गया कैटलाइटिक कन्वर्टर मेटल सरफेस। एडसॉर्प्शन, अच्छा जी, ये आ गया आपके पास। ये आ गया प्लस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, पूरी की पूरी आपके पास अल्लाह के हुक्म से ही आ गई। तो पहले इसको ले लेते हैं, फिर इसको ले लेते हैं, कैटलाइटिक कन्वर्टर। ये आपका पहला वाला आ गया है। पहली चीज आ गई है आपके पास, पहली चीज आपके पास आ गई है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एनओ एंड एन सी ओ एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। ठीक है, ये आपके पास है प्लाटिनम सरफेस। ये आपके पास है एनओ गैस। ये आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और ये प्रोसेस है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन
एड्सॉर्प्शन भी कह सकते हैं, एड्सॉर्ब भी कह सकते हैं। तो बोथ एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। अब अगले स्टेप में क्या होगा? Bond in the reacted molecule are weakened and break. अब आप गौर से देखें, ये बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया। गौर से देखें, ये नया चीज, नया बॉन्ड बन रहा है। तो न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म Old bonds are broken. Old bonds are broken. Old bonds are broken. Last step होगा desorption का। ये लास्ट आपका हो गया। प्रोडक्ट प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व्ड, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व फ्रॉम द कैटलाइटिक सरफेस। आप देख सकते हैं ये नाइट्रोजन बन गई, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ये नाइट्रोजन गैस बन गई, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। दिस ऑप्शन, ये प्रोसेस कहलाता है दिस ऑप्शन। अरीबा आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा बोले? अगर आप बोलेंगे नहीं तो नहीं समझ में सर, कैसे आ आएगा? रहे अच्छा चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस रिव्यू दे देता हूँ सारा। राबिया आपको मेरी आवाज आ रही है? सर। देखें ये तो मैंने आज पूरा करा दिया आपको, देख लें आप, पूरा हो गया ये। जी सर। देख लें अगर कोई चीज रह गई हो, ये रिएक्शन भी करा दिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी करा दिया, ये करा दिया, हैबर प्रोसेस भी करा दिया। अब आप इसमें से देख लें वन बाय वन, क्या चीज कराई है मैंने, क्या चीज नहीं कराई है। राबिया आप भी देख लें, आलिया आप भी देख लें, अरीबा आप भी देख लें, अनुषा आप भी देख लें, क्या मैंने आपको रेड इक्वेशन ऑर्डर करा दिया, ऑर्डर निकालना सिखा दिया टाइम कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ में? जी क्या मैंने आपको इनिशियल रेट करा दिया, रेड इक्वेशन करा दी है? क्या हाफ लाइफ करा दी है? क्या हाफ लाइफ और रेड इक्वेशन करा दी है LN2 वाली? क्या मैंने आपको इंटरमीडिएट और कैटलिस्ट करा दिया फ्रॉम अ रिएक्शन मैकेनिज्म?
रेट डिटरमिनिंग मैकेनिज्म वगैरह करा दिए, देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी करा दिया, इसके पास पेपर के क्वेश्चन भी कराए थे, ये देखें ऑर्डर के क्वेश्चन कराए हुए, ऑर्डर के ग्राफ भी करा दिए थे, हाफ लाइफ और ऑर्डर भी करा दिया था, उसके बाद मैंने आपको हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट भी करा दिया था। फिर मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म भी करा दिया था, SN1 SN2, फिर मैंने आपको ये चीजें जी हाँ SN1 SN2 करा दिया था। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी करा दिया था, मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म भी करा दिया था, उसके बाद नेट इक्वेशन भी निकालना सिखा दी थी, मैकेनिज्म प्रपोजल भी सिखा दिया था, टू स्टेप भी करा दिए थे, आज कैटलिस्ट भी करा दिया। आलिया, राबिया और अनुषा, आप पूरा सिलेबस आपके पास है, आप चेक कर लेना, अगर कोई भी चीज़ मैंने नहीं कराई हो तो मुझे बता देना, मैं वो करवा दूंगा। आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है सर। देखो अच्छा, मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं अभी ऑर्डर का, ठीक है? वो आप ऑर्डर का असाइनमेंट कर लेना, ठीक है? अगर आप वो कर लेते हैं तो आपका सारी तैयारी हो जाएगी, ठीक है? ओके तो मैं इसी में आपको लिखवा देता हूं, ऑर्डर असाइनमेंट। आप मुझको बस 1 मिनट देना, मैं इसकी हार्ड कॉपी लेकर आता हूं। आपको मेरी आवाज आ रही है? बोले आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि इसको अगली क्लास में रख लेते हैं, वो मुझे मिल ही नहीं रहा है, घर पे रखा है शायद। तो अगली क्लास में हम इंशाल्लाह इसको